अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन काउंटर रेसिपीज़। तो आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी। उसके लिए अज्जा है मसाला, कड़ी पत्ता, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। उसके बाद इसमें डाले जाने वाले अज्जा है टमाटर, अचार, हरी मिर्च। और हम ले लेंगे गोश्त। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज और चावल। अब हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है तेज का। उसमें डाल देना है घी और उसको गर्म होने देना है। ये देखिए, ये गर्म हो रहा है, ये पिघल रहा है। इसके गर्म होने का इंतज़ार करना है जब तक ये गर्म ना हो जाए। हसबे तो फीक आपने घी डाल लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। और प्याज को हमने क्या करना है, ब्राउन करना है, हल्का ब्राउन करना है। या अगर आप ज़्यादा इसका कलर तेज चाहते हैं अपनी बिरयानी का, तो इसको ज़्यादा ब्राउन कर लें। अगर आप हल्का चाहते हैं तो फिर हल्का ब्राउन कर लें। अब ये ब्राउन हो चुका है, तो जो हमने करना था। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च, कड़ी पत्ता और मसाला। इसको भूनेंगे, इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसके बाद हमने डाला है इसमें मिर्च, टमाटर, अचार। इसको भी हमने मिक्स कर लेना है, इसको भी भून लेना है, अच्छी तरह भून लेना है। खूबसूरत लग रहा है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये गले ना। क्योंकि जब ये अगर जल जाए तो जायका ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेना है। और उसके बाद हमने इसमें गोश्त डाल देना है और इसको भी अच्छी तरह भून लेना है। इसके भूनने का इंतजार करना है हमने ताकि ये गोश्त अच्छी तरह पक जाए, अच्छी तरह पका लेना है। ठीक है, फिर हम इसको डाल दे रहे हैं बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट भी डाल दिया। देखिए पक्का है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। चावलों के हिसाब से पानी डाल लेना है। अब हमने इसके उबलने का इंतज़ार किया है और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। ये हमारे चावल बन गए हैं। अब हम इस पर, इसमें थोड़ा सा पानी है इसकी वजह से हम इस पर दम लगा देंगे। ये हमने लगा दिया है दम। इस पर आग रख देंगे ताकि नीचे से भी दम लगे और ऊपर से भी। हमारे चावल अभी कच्चे थे और ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। और ये बहुत ही मज़े की बिरयानी है।